बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और आल्सो नोन इज केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन स्केल लॉर्ड केल्विन ने 1848 में इंट्रोड्यूस किया था। इस टेम्परेचर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो जीरो केल्विन से शुरू होता है और -273 डिग्री सेंटीग्रेड से। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन स्केल पर इसका टेम्परेचर जीरो केल्विन होगा और इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर आइडियल गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। इट इज अ टेम्परेचर एट विच द आइडियल गैसेस हैज जीरो वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम हमारे पास कम होता जाएगा। ये एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने वॉल्यूम लिया हुआ है। तो देखिए, टेम्परेचर में हमारे साथ कमी आ रही है तो वॉल्यूम में भी हमारे साथ कमी आ रही है। अब आइडियल गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर हम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दें तो हमारे पास गैस आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। लेकिन रियल गैसेस में इस तरह नहीं है। रियल गैसेस में रियल गैसेस इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं या सॉलिड बन जाती हैं। सो दिस इज फॉर आइडियल गैसेस दैट एट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और जीरो केल्विन, विच इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, द टेम्परेचर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस बिकम जीरो। अच्छा, कन्वर्जन, अब इसके कन्वर्जन की बात करते हैं। कन्वर्जन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केल्विन स्केल है और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, दे बोथ हैज द सेम डिग्री रेंज, बोथ का डिग्री रेंज सेम है। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉडी है, अगर इस बॉडी में 5 डिग्री इंक्रीज आ रहा है टेम्परेचर का, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में भी 5 डिग्री इंक्रीज होगा और केल्विन स्केल में भी 5 डिग्री इंक्रीज होगा, बिकॉज इट हैज द सेम डिग्री रेंज। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर हुआ -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑन केल्विन स्केल इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि केल्विन स्केल हमारे साथ -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है। अब अगर इस बॉडी के टेम्परेचर में 100 डिग्री इंक्रीज आ रहा है तो केल्विन स्केल में भी ये 100 डिग्री इंक्रीज होगा और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में भी ये इंक्रीज होकर -273 डिग्री से बढ़कर ये -173 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह अगर इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम 200 डिग्री इंक्रीज करें तो केल्विन स्केल में इसका टेम्परेचर 200 केल्विन हो जाएगा और डिग्री सेंटीग्रेड में इसका टेम्परेचर -73 डिग्री हो जाएगा। अब अगर इसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के हम क्या करें, 273 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर हम 273 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए तो केल्विन स्केल पर ये क्या हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे ये 0 डिग्री पे आ जाएगा। तो देखिए, 0 केल्विन हमारे पास -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है और 273 केल्विन हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अब अगर इसकी हम कन्वर्जन की बात करें तो अगर हम हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो और अगर हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो, लेट सपोज हमें दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें कहा गया है कि आप इसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करो, तो केल्विन स्केल में इसे कन्वर्ट करने के लिए हम 273 हमने इसके साथ ऐड किया तो 293 केल्विन ऑन केल्विन स्केल इसका टेम्परेचर आ जाएगा। अब अगर लेट सपोज हमें दिया गया है 283
केल्विन, और हमें कहा गया है टेम्परेचर इन केल्विन हमें दिया गया है, और हमें कहा गया है कि आप इस टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो। तो टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे 283 से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे हमने 273 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो कन्वर्जन के लिए केल्विन के डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड करेंगे, और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे -273 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर हम किसी ऐसे रूम में चले जाएं, अपने आप को किसी ऐसे रूम में बंद कर लें जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो हो तो हमारे साथ क्या होगा। मैंने कहा कि बच्चे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, यू विल बी ओके, तुम टेम्परेचर केल्विन स्केल पर बिल्कुल ओके होगे, पर अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हों तो फिर तुमसे जन्नत में मुलाकात होगी। सही है, तो ये था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन स्केल। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।